हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका यह नया साल खुशियों व सफलताओं से परिपूर्ण रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की बात शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जो है प्लस टू, प्लस वन, टेंथ, नाइन्थ, एट्थ और पाँचवीं की वार्षिक परीक्षाओं की जो डेट शीट है वो जारी कर दी है। तो फ्रेंड्स, आप जो है वीडियो के साथ बिल्कुल एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, जमा दो की छः और मैट्रिक की जो है 7 मार्च से शुरू होगी वार्षिक परीक्षाएं। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं पूरी खबर के बारे में। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जो है मार्च 2019 में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी है। 8वीं और 10वीं नियमित SOS की वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च, जबकि जमा दो नियमित और SOS की 6 मार्च से शुरू होगी वार्षिक परीक्षाएं। मैट्रिक और जमा दो की परीक्षाएं सुबह के सत्र में होगी, 8वीं SOS की परीक्षाएं सायंकालीन सत्र में होगी। उधर जो है स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर हरीश गज्जू ने बताया कि बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों के स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं 21 से लेकर 28 फरवरी तक चलेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे नियमित 10वीं कक्षा की डेट शीट के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, 7 मार्च को आपका एग्जाम होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, ठीक है, और 9 मार्च को होगा संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु व पंजाबी का। 11 मार्च को होगा गणित, 13 मार्च को होगा हिंदी, 15 मार्च को होगा सामाजिक विज्ञान, 16 मार्च को होगा फाइनेंशियल लिटरेसी और 18 मार्च को होगा अंग्रेजी और 20 मार्च को होगा कला ए, स्केल और ज्योमिति, स्वर संगीत, वाद्य संगीत, गृह विज्ञान, वाणिज्य और जो भी यहाँ पर मेंशन करा गया है वे आपका एग्जाम होंगे 20 मार्च को। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से एग्जाम जो है 20 मार्च को होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे 10वीं SOS की डेट शीट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपका जो पहला एग्जाम 7 मार्च को होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, ठीक है, और 9 मार्च को होगा संस्कृत, उर्दू व पंजाबी, 11 मार्च को होगा गणित, 13 मार्च को होगा हिंदी, 15 मार्च को होगा सामाजिक विज्ञान, 18 मार्च को होगा अंग्रेजी, 20 मार्च को होगा कला ए जिसमें जो है स्केल और ज्योमिति, और फिर जो है गृह विज्ञान, वाणिज्य और आपका जो है फिर जो है जो भी यहाँ पर मेंशन कर गए हैं वे आपके एग्जाम होंगे 20 मार्च को, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम आपके जो है 20 मार्च को होंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे जमा दो SOS के जो छात्र हैं उनके एग्जाम जो है कब से शुरू होंगे। तो फ्रेंड्स, 6 मार्च को आपका जो पहला एग्जाम है और एग्जाम रहेगा अंग्रेजी का, और 7 मार्च को है लोक प्रशासन, 8 मार्च को है राजनीतिक शास्त्र और 9 मार्च को है बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, फ्रेंच व उर्दू, और 12 मार्च को है केमिस्ट्री हिंदी, और 14 मार्च को है अर्थशास्त्र, और 16 मार्च को है फिजिक्स, अकाउंटेंसी और इतिहास, और 18 मार्च को है भूगोल, और 19 मार्च को है गणित, और 20 मार्च को है ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस, और 22 मार्च को है शारीरिक शिक्षा, 23 मार्च को है कंप्यूटर साइंस, 25 मार्च को है संस्कृत, 26 मार्च को है ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, अनवेल सर्विसेज और सिक्योरिटी, रिटेल और एग्रीकल्चर, ट्रेवल एंड टूरिज्म, टेलीकॉम, ठीक है, ये आपके एग्जाम होंगे 26 मार्च को। और 27 मार्च को होगा आपका एग्जाम सोशियोलॉजी का, अर्थात समाज शास्त्र का। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे जमा दो कक्षा नियमित के जो अभ्यर्थी हैं उनका एग्जाम जो है कब कब होंगे। तो फ्रेंड्स, 6 मार्च को जो आपका एग्जाम होगा अंग्रेजी का, और 7 मार्च को होगा लोक प्रशासन, 8 मार्च को होगा राजनीतिक शास्त्र, 9 मार्च को होगा बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, फ्रेंच व उर्दू, और 11 मार्च को होगा फिर आपका संगीत और हिंदुस्तानी वोकल, हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल और मेलोडियस और हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल, और 12 मार्च को होगा केमिस्ट्री हिंदी,
और 13 मार्च को होगा मनोविज्ञान, 14 मार्च को होगा अर्थशास्त्र, 15 मार्च को होगा फिलोसफी और 16 मार्च को होगा फिजिक्स और अकाउंटेंसी इतिहास और 18 मार्च को होगा भूगोल और 19 मार्च को होगा गणित और 20 मार्च को होगा ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस और 22 मार्च को होगा शारीरिक शिक्षा योग और 23 मार्च को होगा कंप्यूटर साइंस और 25 मार्च को होगा संस्कृत का और 26 मार्च को होगा ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपका फिर सिक्योरिटी रिटेल एग्रीकल्चर ट्रेवल एंड टूरिज्म और आपका टेलीकॉम होगा आपका 26 मार्च को और 27 मार्च को होगा समाज शास्त्र और 28 मार्च को होगा डांस, उसमें जो है कथक, भरतनाट्यम, फाइन आर्ट पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर एंड अप्लाइड आर्ट्स, ठीक है, ये आपके होंगे 28 मार्च को और 29 मार्च को होगा फाइनेंशियल लिटरेसी का एग्ज़ाम आपका। तो फ्रेंड्स, यो थी नियमित जो प्लस टू कक्षा के छात्र हैं उनकी डेट शीट। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे 8वीं SOS के छात्र की जो एग्ज़ाम जो है कब से शुरू होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो पहला एग्ज़ाम 7 मार्च को होगा हिंदी का और 9 मार्च को होगा विज्ञान का और 11 मार्च को होगा अंग्रेजी का, 13 मार्च को होगा सामाजिक विज्ञान का और 15 मार्च को संस्कृत, 18 को गणित, 20 मार्च को होगा कला एवं गृह विज्ञान का। तो फ्रेंड्स, यह एग्ज़ाम होगा 8वीं SOS के छात्रों का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे 8वीं जो नियमित कक्षा के छात्र हैं उनके एग्जाम जो है कब से शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि 8वीं कक्षा की जो डेट शीट है, आपका एग्जाम जो है 14 मार्च को होगा पहला पेपर संस्कृत का और 16 को होगा विज्ञान, 18 को गणित, 20 को अंग्रेजी, 22 को हिंदी, 23 को हिमाचल की लोक संस्कृति व योग और 25 मार्च को सामाजिक विज्ञान, 26 मार्च को कला ड्राइंग चित्रकला एवं अप्लाइड आर्ट और गृह विज्ञान, स्वर संगीत, वाद्य संगीत, पंजाबी व उर्दू, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ 5वीं 9वीं और जमा 1 कक्षाओं की डेट शीट के बारे में। तो फ्रेंड्स, स्कूलों में जो है 5वीं की परीक्षाएं जो है 14 से लेकर 20 मार्च तक, 8वीं की परीक्षाएं 16 से लेकर 26 मार्च तक, 9वीं की परीक्षाएं जो है 9 से लेकर 23 मार्च तक, जबकि 11वीं की परीक्षाएं जो है 9 से लेकर 29 मार्च तक चलेंगी। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे 5वीं कक्षा की डेट शीट के बारे में। तो फ्रेंड्स, 14 मार्च को जो आपका पहला एग्जाम होगा पर्यावरण शिक्षा का और 16 मार्च को हिंदी, 18 मार्च को गणित और 20 मार्च को आपका अंग्रेजी का पेपर होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे 9वीं कक्षा की डेट शीट के बारे में। तो फ्रेंड्स, 9 मार्च को आपका पेपर होगा हिंदी का और 11 मार्च को अंग्रेजी, 13 मार्च को सामाजिक विज्ञान, 15 मार्च को संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु और पंजाबी और 16 मार्च को फाइनेंशियल लिटरेसी, 18 मार्च को गणित, 20 मार्च को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 22 मार्च को कला बी और 23 मार्च को कला ए और साथ में जो स्वर संगीत, वाद्य संगीत, गृह विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल, सिक्योरिटी और रिटेल और आईटी, एग्रीकल्चर, ट्रेवल एंड टूरिज्म, टेलीकॉम, फिजिकल एजुकेशन और VFSI का एग्ज़ाम होगा 23 मार्च को। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे जमा 1 की परीक्षाओं के बारे में, ठीक है, कि कब आपका जो है एनुअल एग्जामिनेशन होंगी। तो फ्रेंड्स, आपका जो पहला एग्ज़ाम 9 मार्च को होगा इंग्लिश का और 11 मार्च को लोक प्रशासन अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और 12 मार्च को होगा कंप्यूटर साइंस, 13 मार्च को शारीरिक शिक्षा व योग, 14 मार्च को फाइनेंशियल लिटरेसी और 15 मार्च को केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, इतिहास, 16 मार्च को अर्थशास्त्र, 18 मार्च को गणित और 19 मार्च को आईटी और साथ में ऑटोमोबाइल, सिक्योरिटी रिटेल, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ट्रेवल एंड टूरिज्म, टेलीकॉम, शारीरिक शिक्षा, BFSI, मीडिया इंटरटेनमेंट का होगा 19 मार्च को और 20 मार्च को होगा फिर आपका राजनीतिक शास्त्र, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, 22 मार्च को होगा भूगोल, ज्योग्राफी, फिलोसफी, डांस और आपका फाइन आर्ट और 23 मार्च को होगा फिजिक्स और हिंदी और 25 मार्च को होगा संस्कृत और 26 मार्च को होगा ह्यूमन इकोलॉजी और फैमिली साइंस और 27 मार्च को संगीत, 28 मार्च को फ्रेंच, उर्दू, सोशोलॉजी
और फिर आपको 29 मार्च को मनोविज्ञान का एग्जाम होगा। तो फ्रेंड्स, जो थी एनुअल एग्जामिनेशन प्लस वन प्लस टू टेंथ नाइन्थ एट्थ और पाँचवीं कक्षाओं के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहेगी तो आप प्लीज़ करके कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन केवल आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।